हे गाइस, आज मैं अपनी सेल्फ केयर करने जा रही हूँ। और हाँ, विंटर में तो उतना अच्छा से सेल्फ केयर नहीं कर पाती हूँ, बट समर आते ही ना मैं इन सभी चीज़ पे अच्छे से ध्यान दे देती हूँ, तो आज मैं वही सब दिखा रही हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टार्ट करेंगे DIY से। सबसे पहले बनाएंगे स्क्रब। इसके लिए मैंने इक्वल क्वांटिटी में चावल एंड मसूर का दाल लिया है। इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसका जो भी धूल मिट्टी एंड पाउडर वगैरह जो रहता है ना केमिकल, वो अच्छे से रिमूव हो जाए। उसके बाद मैंने छलनी में इस तरीके से डाल दे रही ताकि इसका एक्स्ट्रा वाटर जो है अच्छे से ट्रांसफर हो जाए। एंड उसके बाद इसको मैं पूरा दिन के लिए धूप में रखने वाली हूँ। एंड उसको मैं इस तरीके से कॉटन के कपड़े से ढक दे रही हूँ, वरना गिलहरी एंड चिड़िया आकर सारा फिनिश कर देंगे एंड सिर्फ छलनी बच जाएगा। इसी वजह से मैंने ढक दिया था। एंड उसके बाद मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया। ऑरेंज पील भी, ऑरेंज के स्किन भी मैंने ड्राई करके रखे हुए थे तो उसको भी इसमें डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। एंड उसके बाद इसको छानेंगे। छानने के बाद जो मोटा फोम बचे हुए रहता है ना, तो उसको अलग रखेंगे, जो पाउडर फोम में है उसको अलग रखेंगे। एंड इसको किस तरीके से यूज करना है मैं आगे आपको बताऊँगी। एंड दोनों को हम मैं अच्छे से कंटेनर में सेव कर लूँगी ताकि मैं इसको लंबे टाइम तक यूज कर सकूँ। और ये जो DIY स्क्रब है ना, मेरा फेवरेट स्क्रब है। एंड इससे मैं काफ़ी अच्छे से बॉडी को एक्सपोलिएट कर पाती हूँ। एंड किस तरीके से एक्सपोलिएट करना है वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड ये जो है ना, ये भी स्क्रब है, आप इससे फेस स्क्रब कर सकते हैं एंड इससे आप एज अ पैक की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं बॉडी हेयर पे। बॉडी पे ना विंटर में बहुत ज़्यादा हेयर हो चुका है, देख सकते हैं। एंड विंटर में जो हड़बड़ी एंड जल्दबाजी में हम लोग क्लीन वगैरह कर लेते हैं, बट आज मैं प्रॉपर तरीके से करूँगी। तो इसके लिए मैं वीट का ये वैक्स स्टिप्स ले रही हूँ एंड ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे। एंड इसको किस तरीके से यूज करना वो भी हर किसी को पता ही है आजकल। इस तरीके से एक में ना दो रहता है, आपको पुल करके रिमूव करना होता है, उसके बाद आपको इस बॉडी पे स्टिक करना होता है आपका हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में। तो मेरा यहाँ का हेयर ग्रोथ नीचे साइड में है, तो यहाँ इस तरीके से अप्लाई कर लिए है। उसके बाद इसको खींचना है, थोड़ा सा पेन होता है बट उतना सह सकते हो आप। एंड उसके बाद देखो कितना अच्छा से हेयर रिमूव कर दिया है एक ही बार में, एक दो बार में सॉरी। एंड एक से ना मैं सोच रही हूँ पूरा हैंड का कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि पैसा तो वसूलना जरूरी है ना, इसी वजह से तो मैं कोशिश करी, बट ऐसा नहीं होता है, आपका एक हैंड में दो लग जाते हैं। अब मैं ले रही हूँ वेनिस का ये रेज़र, जो कि आपको मार्केट में इजीली 70 रुपीज़ के अंडर मिल जाते हैं। और हाँ, इसका रेज़र जो है कुछ इस तरीका से है, इसमें 3 ब्लेड्स लगे हुए हैं जो कि काफ़ी इजीली रिमूव कर देता है। और हाँ, मेरे लेग्स में दिख सकते हैं इतना ज़्यादा हेयर हो चुका है एंड मुझे हिम्मत नहीं हो रहा जो कि मैं लेग्स में वैक्सिंग करवाऊँ, इसी वजह से मैंने लेग्स पे रेज़र यूज कर रही हूँ। इस पर मैं थोड़ा सा फोम क्रिएट करने के लिए हिमालया का बेबी शैम्पू यूज कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा वाटर से मैं इसमें अच्छे से फोम क्रिएट कर लूँगी, उसके बाद मैं रेजर को इस तरीके से चलाऊंगी। और हाँ, आप किस तरीके से यूज करते हो वो भी मुझे बताना। और साथ ही साथ आप एलोवेरा जेल या फिर बॉडी को गीला करके भी कर सकते हो। एंड देखो एक ही दो बार में कितना अच्छा सा हेयर रिमूव हो चुका है। तो मैं पूरे लेग्स को इस तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ एंड जहाँ जहाँ क्लीन हुआ ना देख सकते हो कितना क्लीन लग रहा है। एंड जहाँ पे हेयर है कितना गंदा गंदा सा फील हो रहा है ना। एंड समर में तो बॉडी बहुत ज्यादा हेयर से क्लीन रखना पड़ता है, वरना आप शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन पाओगे ना। अब मैं फेशियल हेयर के लिए ये रेज़र यूज करती हूँ। और हाँ, ये रेज़र आपको मार्केट में इजीली 15 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसके बाद मैं ऑरेंज जेल ले रही हूँ, जो कि नेचर लीफ का ऑरेंज जेल है। एंड इसका जो मुझसे बोलने में नहीं हो रहा, इसका जो थिकनेस है ना वो है एलोवेरा जेल की तरह ही। जब भी मैं फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ इसी का यूज करती हूँ। और ये रेज़र जो है ना मैं 1-1.5 साल से यूज कर रही हूँ, बट मेरा हेयर जो है सेम है, बट हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो चुका है बट थिक नहीं हुआ है, सेम ही है। एंड इसी से मैं पूरा पूरा फेस को कर लेंगे एंड देखना कितना ज़्यादा गंदगी रिमूव कर देता है, साथ ही साथ डेड स्किन को भी रिमूव करता है, देख सकते हो। करेंगे पेडिक्योर एंड मेनिक्योर। सबसे पहले टब में मैंने गुनगुना पानी लिया, आप जितना सह सको उतना ही लेना। उसके बाद मैंने हाफ नींबू को अच्छे से निचोड़ कर इसका छिलका भी ले लिया है। उसमें मैंने ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून सोडा। एंड उसके बाद मैं ब्लीच में जो एक्टिवेटर आता है ना वो ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। एंड इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेबी शैम्पू जो कि है हिमालया का। एंड इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू ले सकते हो या फिर सावर जेल भी ले सकते हो। उसके बाद मैं नेल पॉलिश को रिमूव करूँगी। इन साइड का मैं नेल पॉलिश रिमूवर ले रही हूँ, इससे नेल पेंट अच्छे से रिमूव हो जाता है। और हाँ, मेरे नेल में जो रेड रेड दिख रहे हैं ना वो अल्ता का स्टैंड लग चुका है, जो कि अल्ता वाली आते हैं लगाने के लिए ना, तो उसका कलर बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, पकड़ लेता जल्दी से, रिमूव नहीं होने मांगता है। एंड मैं साथ ही साथ पाँव को डिप कर लिए है पानी में। उसके बाद मैं अपने हैंड का जो फिंगर है उसको रिमूव कर लिए है नेल्स का नेल पेंट। एंड इस तरीके से डिप कर लेंगे इसको एंड इस तरीके से 5 मिनट रखेंगे अच्छे से। हैंड एंड पाँव अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए स्किन। एंड उसके बाद
टीथ ब्रश के से ना इस तरीके से क्लीन कर रही हूँ। और हाँ, टीथ ब्रश के से ना काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, इस वजह से मैं इसको यूज कर रही हूँ। एंड उसके बाद इस तरीके का फूट स्क्रबर लेंगे, इससे मैं अपनी एरी वगैरह को अच्छे से क्लीन करूँगी। और हाँ, एरी में ना बहुत ज़्यादा हार्ड डेड सेल जमा हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए इस तरीके का आप स्क्रबर यूज करना, अच्छे से रिमूव हो जाता है। जो कि नॉर्मल जो स्क्रब आता है ना उससे रिमूव नहीं होता है, इस तरीके का स्क्रबर लेना जिससे ईजिली रिमूव हो जाता है। उसके बाद ऊपर का जो स्किन है उसको मैं लूफा के इस तरीके से रब कर ले रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये पेडिक्योर किट, जो कि टूल्स वगैरह बोल सकते हो। इसको मैंने मीशो से परचेज किया है एंड इसका जो है लिंक वगैरह मैं सब कुछ नीचे दे दिए हैं, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। एंड इससे मैं अपने नेल को कट कर ले रही हूँ, और मेरा नेल ग्रोथ जो है ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा कट करके मैं जितना भी गंदगी नेल वगैरह निकलता है ना, तो एक ही बार गमला में ही इस तरीके से कर लेती हूँ ताकि सारा कुछ टब में ही गिर जाए। एंड इसको क्यूटिकल उसको थोड़ा सा पुश करेंगे एंड कॉर्नर से जो है थोड़ा सा गंदगी वगैरह जमा हो जाता है, तो इस तरीके से खींच कर निकाल लेंगे, वरना पेन होता है। मेरा नेल थोड़ा सा डैमेज भी हो चुका है, वहाँ पे जाके गंदगी फंस जाता है तो और ज़्यादा पेन होने लगता है, तो मैं हमेशा इसको क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं DIY स्क्रब ले रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड बाउल में 1 स्पून ले लेंगे। एंड इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है एंड बेबी शैम्पू यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो शावर जेल भी ले सकते हो, बट मुझे ना शैम्पू ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से मैं ये शैम्पू लिया है। एंड इसे अच्छे से पाँव का अच्छे से स्क्रब कर लेंगे एंड आप पूरे बॉडी को भी आप स्क्रब कर सकते हो। मैं आप लोगों को सामने कर रही हूँ, इस वजह से मैंने सिर्फ लेग्स पे करके दिखा रही हूँ एंड मैं हैंड पे करूँगी, बट आप पूरे बॉडी पे कर सकते हो। एंड इसको ना मैं गमला में ही जो टब में मैंने पेडिक डिप करके रखा था उसी में मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद ये जो पाउडर बना के रखे थे ना, इसको मिल्क में आधा घंटा पहले ही मैंने भिंगो कर रखे हुए थे, उसका क्लिप मैंने नहीं लिए थे, तो सॉरी उसके लिए। इसको सिर्फ मिल्क में ही मैंने मिक्स किया है। उसके बाद इसको इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे, मैं नॉर्मली हैंड से ही अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहो तो ब्रश से कर सकते हो। एंड उसके बाद ना इसको 10 मिनट तक रखेंगे ड्राई होने के लिए, उसके बाद आपको नॉर्मली वॉश कर लेना। मैं इसको हैंड पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ, उसके बाद इसको वॉश कर लिया है। अब करेंगे पैड ड्राई। पैड ड्राई करने के बाद ले रही हूँ मैं द मोमको का नेचुरल लोशन। आप मॉइस्चराइजर या फिर कोई भी लोशन ले सकते हो। मैंने इसको पूरा विंटर यूज किया, जो कि मैंने अपने बेटी के लिए लिया था, मैं ही इसको यूज किया है। एंड उसके बाद मैं अपने नेल पेंट अप्लाई कर रही हूँ, जो कि रेड कलर के। जब भी मैं पेडिक्योर करती हूँ तो मुझे रेड कलर नेल पॉलिश अप्लाई करना अच्छा लगता है, क्योंकि क्लीन क्लीन हो जाता है, इस वजह से देख सकते हो। मैं ले रही हूँ लोटस वाइट ग्लो का स्क्रब, और हाँ इसको मैं बाथरूम में रखती हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा डिसकलरेशन हो चुका है, क्योंकि इसको मैं वीकली यूज करना पसंद करती हूँ। उसके बाद इसका कलर जो है थोड़ा सा येलो टोन में लग रहा है क्योंकि कैमरा पे, बट सामने से बहुत ज़्यादा वाइट रहता है। और ये जो स्क्रब है ना काफ़ी अच्छे से स्किन के एक्सपोलिएट एंड सॉफ्ट करता है, साथ ही साथ एक वाइट ग्लो भी देता है। उसके बाद मैंने इसको गीला कपड़ा के से क्लीन कर लिया है। अब अप्लाई करेंगे इस पैक को, जिसको मैंने DIY करके बनाया, थोड़ा सा मैंने फोटो क्लिक कर लिया थंबनेल के लिए, उसके बाद मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। तो चलिए देख लेते किस तरीके से इस पैक को बनाना है। सबसे पहले आपको हाफ टमेटो को इस तरीके से कद्दूकस करके इसका जूस निकाल लेना है। आप चाहो तो ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हो, बट मैं इस तरीके से स्टैंड करके इसका जूस निकाल ले रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 स्पून मुल्तानी मिट्टी। आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, तो आप इसमें 1 स्पून हनी भी ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो पैक है ना, मेरा फेवरेट पैक है, हमेशा ही मैं इसको यूज करती हूँ ना, बहुत ही बार आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया है। इसको मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। और हाँ, नेक को जो है ना आप पड़ोसी समझकर भूल मत जाना, नेक पे भी आप अप्लाई करना, क्योंकि नेक आपका खुद का ही है ना, इस वजह से अप्लाई करना, वरना अलग अलग कलर लगेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसको आप 10 मिनट ड्राई होने देंगे, उसके बाद देख सकते हो हल्का हल्का ड्राई हो चुका है, पूरा ड्राई नहीं करना, हल्का सा ड्राई करने के बाद इसको वॉश कर लिया है। उसके बाद आप मेरा फेस देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्लोई ग्लोई एंड क्लीन रहा है। इस तरीके के वीडियोस देखने के जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।